वेलकम बैक टू माय चैनल रोनी इज हेल्दी किचन। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दूध को बॉयल कर लिया है। दूध उबलने के बाद हम इसके फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम करने के बाद हम इसे अच्छे से और बॉयल करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा सा चला करके फिर हमें इसे रुक जाना है। उसके बाद से हमें फिर थोड़े देर के बाद फिर इसे चलाना है। इस तरीके से करके हम इसे रेगुलरली चलाते रहेंगे और इसे बॉयल करते रहेंगे। बॉयल होते रहे जब तक हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे साइड साइड से निकालते हुए चलाएंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। तेज़ आँच पे ये जल जाती है। तब तक हम इलायची ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 इलायची ले लिया है। हमने इलायची को स्प्लिट करके रख लिया है ताकि इसके बीज इसमें आराम से जा सके और अच्छे फ्लेवर आए उसके। तो मैंने यहाँ पे कूटा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ स्प्लिट कर दिया है, 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। और अब हम इसमें थोड़ी देर में ऐड कर देंगे इलायची को, जब दूध थोड़ा सा कम हो जाए, उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिकनेस आ जाए उसमें, तो हम इसे इसमें थोड़ी सी इलायची जो हमने रखी थी 2 से 3 उसको हम ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर आने लगे। हमने यहाँ इलायची डाल दी। अब हमें इसे अच्छे से वैसे ही चलाते हुए पका लेना है। जब थोड़ा सा दूध हल्का कम हो जाए तभी इलायची डालना है ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से बरकरार रहे एंड तक। हम इसे चलाते हुए बिल्कुल ही अच्छे से बॉईल करते हुए पका लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है। मैं बताना भूल गई थी कि हमने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया। अगर आप सब चाहें तो 3 से 4 लीटर, 5 लीटर, जितने भी आप चाहें उतना आप उस हिसाब से आप इलायची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें फ्लेवर जिस हिसाब से आपको पसंद है, ज़्यादा पसंद है इलायची तो ज़्यादा डाल सकते हैं आप, और कम। इसमें मैंने 1/2 लीटर में मैंने 2 से 3 इलायची मैंने ऐड कर दी है। आप सब देख सकते हैं मैं किस तरीके से चलाते हुए इसे पका ले रही हूँ। जब तक इसका खोया तैयार नहीं हो जाता तब तक हमें इसे चलाना है और इसे हल्के आंच पे पकाते रहना है। मैं मैं यहाँ खोया बना रही हूँ। खोया की रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े का, घर पे बिल्कुल ही ऑर्गेनिक खोया बनकर तैयार हो जाता है, तो बिल्कुल ही प्योर होता है। आप सब देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है। तो मार्केट से अच्छा है आप घर पे खुद बना लिया करें और इस तरीके से बना करके आप अपने सेवई से लेकर के आप किसी भी स्वीट डिश में आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ही थिकनेस होना चाहिए तब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।